I think you listened my lecture yesterday. That was on particularly life of the writers, John Arden. But today we are going to discuss the summary of the Sergeant Misgrave's Dance. सार्जेंट मिस ग्रेव डांस की समरी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे. देर आर थ्री एक्ट्स एंड एवरी एक्ट हैज़ टू थ्री सीन्स बट लास्ट हैज़ टू. इस ड्रामे के तीन एक्ट्स हैं और तीनों दो पहले दो के जो तीन तीन सीन ही हैं लेकिन आखिरी एक्ट के दो सीन हैं. सो दिस प्ले सार्जेंट मिस ग्रेव्स डांस, तो इसके टाइटल पे अगर हम गौर करें सार्जेंट मिस ग्रेव्स के ऊपर ये कहानी घूमती है. सार्जेंट मिस ग्रेव जो है उसका एक दोस्त मर जाता है तो उनसे बदला लेने के लिए ये बंदा उसके गांव में चला जाता है और उसी के गांव में इसका दोस्त था बेली. ही वॉज किल्ड बाय समवन अकॉर्डिंग टू हिज आइडियाज. इसके मुताबिक इसने समझा है कि इसका दोस्त बेली हिक को किसी ने वहाँ के ही लोगों ने मार दिया, उसके गांव के लोगों ने. तो ये वहाँ बदला लेने के लिए जाता है और अपने साथ ये अफसर था मिस ग्रेव एंड टुक थ्री मोर फ्रेंड्स विद हिम. और उनके जो नाम हैं वो एक तो स्पार्की है, क्या नाम थे उनके सिपाहियों के, स्पार्की है और एक था इसका नाम क्या था, हाँ स्पार्की है, हस्ट है और जो है आर्टर क्लिफ. ये तीन अपने साथियों को साथ लेके ये उस गांव में जाता है और वहाँ बदला लेने के लिए और कहता है कि मैंने मेरा दोस्त एक मरा है तो और उसके बदले में मैंने पांच मारने हैं. और पांच की भी फिर वहाँ जब पहुँचता है तो फिर ये 25 पे चला जाता है कि आई विल किल द 25 पीपल, फाइव सिविलियंस अगेंस्ट हिज फ्रेंड, अपने दोस्त के बदले में. वो तो जो और राइटर है हमारा जॉन आर्डन वो बताना ये चाह रहा है कि आप लोग गो के पुलिस में चले जाते हैं, फौज में चले जाते हैं तो आपको ट्रेनिंग हो जाती है. इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद ही लोगों को मारना शुरू कर दें या आप अदालत में जाएंगे या किसी ने मारा है तो उसके थ्रू आप उसके फैसला करेंगे. आप डायरेक्टली रिवेंज लेने नहीं जाएंगे. रिवेंज भी लेना है तो इस तरीके से नहीं होता कि आप सारे उसके बदले में 25 बार माइंड बना लिया जी मैंने 25 मारने हैं. तो इस तरीके से नहीं होता कि आप जो है ना बदला लें. वो नेशनल सतह पर होता है, कंबाइन होता है, अदालत उसका फैसला करती है. तो ये रिवेंज टाइप ये इस तरीके से कहानी है मिस ग्रेव के गिर्द ही घूमती है और यही उसका वो सबक देना चाहता है कि आप लोग खुद ना करें. तो नाउ कम टू द फर्स्ट एक्ट एंड फर्स्ट सीन. ड्रामा ओपन्स ऑन द वार्फ इन द नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड. वार्फ एक जगह है इंग्लैंड के शुमाल के अंदर. वहाँ एक गांव है, कानकुनों का गांव, गरीबों का गांव. वहाँ ये ड्रामा शुरू होता है. वो नदी है वहाँ, वहाँ पर ही ये शुरू होता है. वहाँ नदी को पार करते हैं थ्री सोल्जर्स, हस्ट है, आर्टर क्लिफ है, स्पार्की, और वो नदी के पास आके पहुँच गए हैं. अवेटिंग ऑफिसर सार्जेंट मिस ग्रेव्स और अपना जो ऑफिसर है सार्जेंट मिस ग्रेव्स को वो इंतज़ार में हैं कि वो भी आ जाए. यानी चार लोग, ये प्राइवेट सोल्जर थे तो आर्मी के ही, ड्रैगन के ही ये लोग थे.
उनसे ये निकल के इधर आए हुए थे। तो ये अपने चार मुतहतों को लेता है और बदला लेने के लिए पहुंचता है। और यहाँ ये पहला सीन तकरीबन ख़त्म हो जाता है, और वहाँ ये लोग पार करते हुए, नदी को पार करते हुए वहाँ हमें नज़र आते हैं। तो चारों मिलते हैं, अपने दोस्त का इंतज़ार करते हैं और ये सारी चीज़ें। अब जो भी है, एक्ट टू सीन टू शुरू होता है पब्लिक हाउस में। तो उसी छोटे से गांव के अंदर पब्लिक हाउस में शुरू होता है, और वहाँ बारगी है एक ड्राइवर, जो वहाँ की बस आती है या वैगन आती थी, वो इन चारों सिपाहियों को लेकर उस गांव में दाखिल होता है और लोगों को भी बताता है कि यहाँ चार सिपाही आ गए हैं। वहाँ एक शराब खाना है, पब का उनकी ऑनर है मिस हिचकॉक, और वहाँ का एक किरदार और भी है पार्सन नामी। ये लोग जो हैं, नतीजा ये अखज करते हैं इन सिपाहियों के बारे में कि शायद ये लोकल माइनर्स जो स्ट्राइक है, इनको रोकने के लिए ये लोग आए हैं। वहाँ का एक मेयर भी है, वो समझता है कि ये जो सिपाही हैं जो कि यहाँ लोगों के स्ट्राइक्स हो रहे थे मेयर के खिलाफ, शायद इस वजह से आए हैं। कांस्टेबल भी है, उसने समझा कि पता नहीं जो स्ट्राइक्स हो रही हैं लोगों को, इनको रोकने के लिए ये लोग आए हुए हैं। अच्छा, ये जो मिस ग्रेव है, एक्चुअली ये बदला लेने के लिए आया है वहाँ उस गांव के अंदर। तो दीज सोल्जर्स डू नॉट टेल द रियलिटीज। और कुछ लोग वहाँ ये भी समझते हैं, पीपल थिंक दैट मे बी दे वांट टू रिक्रूटमेंट, बिकॉज सारे कानकुन थे वहाँ काम करते हो, लेकिन उनसे गुजारा नहीं होता था, तो शायद लोग वहाँ भर्ती होना चाहते हैं। गरीब गांव है, तो फिर ये रशिया का इलाका है। सॉरी, ये जो राइटर है ये रशियन है। अच्छा, ऑर्डन जो है, ये दोस्तों विस्की का दोस्त, और ये सारे कंबाइन थे तीन लोग। अच्छा, मिस ग्रेव वहाँ जब पहुँचता है अपने साथियों के साथ, तो लोगों के जहन में यही है कि शायद रिक्रूटमेंट के लिए, भर्ती करने के लिए लोगों को यहाँ ये लोग पहुँचे हैं। बरकैफ, मिस ग्रे वहाँ पूछता भी है, मैं जो वो पब्लिक हॉल की जो मालिका है कॉक को पूछता है कि बेली हिक्स था यहाँ एक बंदा, तो उसके साथ क्या बना, क्या हुआ? तो खैर वो बताती भी है, इसके जो है वो मर गया है, और इसकी जो बीवी है वो, उसको दो चीज़ों का फेस करना पड़ा दुख में, उसका बेटा भी फौत हो गया और जो है उसका हस्बैंड भी। तो इस बिना पर ये फिर गुस्से में आ जाता है, कहता है कि नहीं, अब मैंने 5 पहले मारने आया था, फिर 25 मारूंगा बेटे का, ये दुख बढ़ा देता है। तो यहाँ भी एक्ट जो है दूसरा खत्म हो जाता है, सॉरी, एक्ट वन का दूसरा सीन खत्म हो जाता है। एक्ट वन है और सीन थ्री शुरू होता है, फोर सोल्जर मीट पीपल इन द चर्च यार्ड। वहाँ ये फिर आगे चर्च यार्ड में ये मिलते हैं जाकर चारों सिपाही। पीपल आर फियरफुल, और लोग डर भी रहे हैं कि वो समझ नहीं आ रही कि क्या बताना चाहते हैं ये। बारगी जो ड्राइवर इनको लेके आता था वहाँ की वैगन पे इनको लेके आया आगे, तो उनको इनके मंसूबों का फिर तब पता चलता है। जब इसको पता चलता है ये बता देता है लोगों को, लोग फिर थोड़े से फियरफुल हो जाते हैं। और इसी तरीके से यहाँ जो सीन थ्री है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद एक्ट टू शुरू होता है। एक्ट टू का जो सीन है फर्स्ट, उसका आगाज होता है। अच्छा, यहाँ जो है एक शराब खाने में पब के अंदर वो पार्टी ऑफ रिक्रूटमेंट, तो भर्ती हो लोग शायद इसलिए इकट्ठे हो जाते हैं उनको देखने के लिए, भर्ती भुर्ती करने के लिए आए हैं। तो
इस तरीके से वहाँ एक पार्टी भी चल रही है। वहाँ इन चारों में से जो स्पार्की है, ये सबॉर्डिनेट में से जो तीन तीन सबॉर्डिनेट थे ये मस्करेव के, स्पार्की है वो एक एनी नामी लड़की को छेड़ता है, हिट करता है। तो खैर वो जो है उसको बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देती। लेकिन वो इसका जो दूसरा दोस्त है हस्ट, वो रोकता है स्पार्की को, ये काम ना करो ये वो। एनी को फिर वो हस्ट ज़्यादा पसंद आ जाता है, वो उसके पीछे पड़ जाती है। इवन शी सेट हिम टू स्पेंड नाइट विद हर, बट ही रिफ्यूज टू गो विद हिम विद हर। लेकिन वो उसको वो जाती उसके पीछे लग जाती है। वहाँ फिर जो है ना हस्ट क्योंकि रोक रहा था स्पार्की को, स्पार्की फिर जो है ना बाकी दूसरों को भी तंग करता है, छेड़ता है बाकी सिपाहियों को भी। तो ये पार्टी सीन यहाँ ख़त्म हो जाता है। उसके बाद एक्ट टू का सीन टू शुरू होता है, ये गली में शुरू होता है। वहाँ फिर ये बारगी को भेजा गया है कि वो कूलियर्स को, कानकुनों को लेके आए कि वो मशक में, फौजी मशक में हिस्सा लें आके। तो खैर वो बारगी सब ले ले आता है ट्रेल के लिए। वहाँ फिर मिस ग्रेव भी, वो वॉल्श नामी किरदार है, उसको देखता है। वो भी दूसरों को छेड़ रहा होता है, मजाक कर रहा होता है। तो इस तरीके से ये काम इस एक्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। यहाँ भी ये सीन ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो है एक्ट टू का सीन नंबर थ्री है, ये एक गोदाम के अंदर शुरू होता है। और हमें नज़र आता है जो एनी है वो पीछे भागती है हस्ट के और आल्टर क्रिफ दोनों के, वो जो दो दो दोनों दोस्त थे इसके पीछे इमोशनली भागती है। तो ये हमें वो उसके उनके पीछे भागती हुई नज़र आती है। तो इस तरीके से वो उनके उस इसकी खैर बात नहीं सुनते। तो इस सीन के अंदर हमें ये चीज़ें हैं, एनी हमें इनके पीछे भागती हुई नज़र। और एक और चीज़ भी इस सीन के अंदर हमें नज़र आती है कि ऑल सोल्जर्स मिस ग्रेव से वो इल्तजा करते हैं कि चेंज हर हिज माइंड, कि वो ये जो ना ये लोग ठीक हैं, ऐसा ना करें आप जो है ना इनको लोगों को मारने के लिए, जो मारना भी है तो एक बंदे को मार दें, ऐसे तो नहीं होता। लेकिन वो जो है वाइल प्रिपेयर अगेंस्ट पीपल, वो एक आर्मी तैयार कर रहा है, वहाँ के कुछ लोगों को भी बुलाया है, उसकी ट्रेनिंग कर रहा है, उनका माइंड भी सेट कर रहा है, मजीद बढ़ा रहा है अपनी आर्मी। तो ये यहाँ भी इस सीन में भी आर्मी को बढ़ाता हुआ नज़र आता है हमें। उसके साथ बाद जो एक्ट टू शुरू होता है और उसका जो सॉरी एक्ट थ्री है, सीन वन हमें देखने को मिलता है। इन दिस सीन जो है मस्ग्रेव है रिवील्ड स्केलेटन ऑफ द बेली हिक्स एंड मेक एवरीबॉडी फियरफुल। तो इसके अंदर जो है ये लोगों को दिखा रहा है कि जो एक ढांचा दिखा रहा है उसके दोस्त का, बेली हिक्स जिसको जो मार दिया गया था और जिससे फिर हर बंदा शॉक्ड हो जाता है कि ये, और लोगों को भी यहाँ पता चल जाता है कि ये इस तरीके से सिविलियन को मारने के लिए आया है। तो वहाँ जो है ये यही समझता है कि सिविलियन ने जो बेली को मारा है, तो माइंड तो इसका खैर पहले ही बन गया था कि मैंने मेरे दोस्त बेली के बदले में 5 लोग मारने हैं। फिर अब 25 का माइंड बन जाता है। तो फिर किसी ने पता चलता है कि इसका जो दोस्त था स्पार्की, जो सबॉर्डिनेट था एक को ये लेके आया था, ही वॉज किल्ड बाय समवन, तो वो मार दिया जाता है। ये तीन फिर रह जाते हैं वहाँ। तीनों अब भी बाकी सिपाहियों ने इसको रोका कि यार तुम ऐसे ना करो, बदला ना लो।
तो खैर ये जो है ना, अब और भी ये गुस्से में आ जाता है, लेकिन पागल भी हो जाता है कि दोस्त मरने की वजह से वो डांस भी करता है। मिस ग्रेव्स डांस एक्चुअली यहाँ भी है, पागलों जैसा डांस करता है कि अब मैंने मार देने हैं सब, ये कर देने वो कर देने। तो इस तरीके से फिर इसका एक दोस्त मजीद मर गया, बेली तो खैर मरा ही था और को भी मार बैठा है। तो फिर भी ना रुका, तो फिर वो सिपाही जो, क्योंकि वो फौज में पीछे पता चला कि 4 सिपाही गायब हैं, तो इस तरीके से फौज से निकल के भी नहीं आ जाता जिस तरीके से ये निकल गया है। ये तरीकाकार इसका जो है मस्ग्रेव्स का, वो बहुत गलत था। तो इस तरीके से नहीं होता। खैर ये वहाँ से अपने वो दो चारों दोस्तों को लेके आया था अपना बदला लेने के लिए वर्दी के अंदर ही। तो ड्रैगन फौज पीछे आ जाती है, वो भी उसी वो नहर को पार करके यहाँ पहुँच जाते हैं। फिर वो इनकी आपस में ही लड़ाई होती है। तो वहाँ भी इसका जो दूसरा दोस्त हस्ट, जिसके पीछे वह एनी लगी हुई थी, खैर ये भी मर जाता है। अब ये दोनों रह जाते हैं, अब दोनों कुछ नहीं कर सके। तो फिर वो जो है ड्रैगन्स वाले, फिर वो अरेस्ट कर लेते हैं मस्ग्रेव को और आर्टर क्लिफ, ये दो रह जाते हैं। अब दोनों को फिर ये जेल में भेज दिया जाता है, और ये जेल में फिर ये जलते हैं, सलाखों के पीछे रहते हैं। और फिर भी यहाँ जो एक्ट 3 का सीन 2 शुरू हो जाता है, ये जेल में सारा के सारा दिखाया जाता है मस्करेफ और साथी। तो यहाँ भी इसका जो है ना वो गुस्सा, वो ये चीज़ें ख़त्म नहीं हुई, यानी इतना कुछ वो अपनी जेल, फौज गई, नौकरी गई और जेल में चला गया, दोस्तों को मरवा दिया, तो फिर भी ये इसका जो है ना वो रिवेंज की जो हब्स है, गुस्सा है, शिद्दत है, उसमें कमी नहीं आती। तो आई थिंक जो राइटर वांट टू टेल अस दैट, एंड यू शुड नॉट बी सो मच फोर्सफुल टू टेक रिवेंज, यू शुड नॉट टेक रिवेंज ओन सेल्फ प्राइवेटली, दिस प्रॉब्लम शुड बी सॉल्वड नेशनल वाइज आर इन द कोर्ट, बिकॉज दे नाउ वेल अबाउट द लॉ, इट इज लॉ, वट शुड बी लॉ अगेंस्ट सच इशूज, सच ए प्रॉब्लम, एंड यू शुड नॉट डू समथिंग प्राइवेटली ओन सेल्फ प्राइवेटली, एंड इट इज अ डेंजरस थिंग। सो जॉन आर्डन एक्चुअली इन द सार्जेंट ऑफ मिस ग्रेव डांस वॉन्ट टू गिव अस लेसन दैट यू शुड ब्रिंग सच अ मैटर टू द थर्ड पर्सन, इट विल बी अ गुड, इफ यू विल टेक रिवेंज ओन सेल्फ इट इज अ डेंजरस, एंड यू शुड नॉट यूज द पावर सच अ वे एज मिस ग्रेव यूजेस, ही वॉज आर्म्ड, ही वॉज ऑफिसर एंड ब्रिंगिंग 3 मोर सोल्जर्स विद हिम एंड वॉन्ट टू टेक रिवेंज अगेंस्ट द कॉमन सिविलियंस विदाउट आर्म्स, हाउ मच डेंजरस इट इज, एंड सच यू शुड नॉट डू सच अ वे। तो हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, तो हमें जो है रिवेंज वगैरह भी लेना है तो इस तरीके से नहीं। तो ये इसके जो है रिवेंज के ऊपर ही कहानी है, मिस ग्रेव डांस के ऊपर ही ये सारे का सारा ड्रामा चलता है, घूमता है, और यही इसकी कहानी है। मिस हिकॉक जो वो शराबखाने की मालिक थी, वो भी इसका जो पैगाम है वो उसको जेल में भी जाके बताती है कि याद रखा जाएगा, और तुम्हारा जो है अजीब अजीब सिचुएशन थी, तो वो इस तरीके से वहाँ जो मिलती भी है और जो है सबको बताए कहती है बताएंगे जाके। खैर और बिल्कुल ही एक और अहमकाना जो आर्डन बताना चाहता है कि रिवेंज जो है लेना ठीक है, लेकिन आप एक के बदले 5 या 25 मार दें, और वो भी पता ही नहीं हो वो किस तरीके से मरा था, क्या मरा था, ऐसे दिमाग में आइडिया बना लिया कि वो जी बस उन्हीं उस गांव के लोगों ने मारा है,
और हालांकि कहीं भी प्ले के अंदर नजर नहीं आता कि उन लोगों ने ही मारा था। तो ऐसे रिवेंज के खिलाफ ये कहानी है और इसको हम मजीद बाकायदा पढ़ेंगे। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू सच स्टोरी कैन आस्क, दिस इज द स्टोरी। हाँ जी ठीक हो गया, हाँ ठीक हो गया, ठीक है फिर। तायबा भी मेरे ख्याल में आ गई है, तायबा है मुझे तो नजर आ रहा है। हेलो तायबा बोल नहीं रही। अच्छा चलो ठीक है नूर, फिर ओके अल्लाह हाफिज़।